So, hi guys, I'm Ishraj and I have a 10-year video with Chill Seva Pasha. So, let's begin without any further delay. So, today we will discuss worksheet number 24, which is for class 6 and it is of subject science. We have to do it on 23rd December 2020. There you have to write your name. There you have to write the name of your class teacher. So, let's begin. So, ये देखिए आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो देखिए जो जीते जागते ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं और उनकी सराउंडिंग्स, उनके आसपास, ठीक है। तो ये देखिए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, तो जो है एक जो है जर्नी होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, कोई कहीं रहता है तो कहीं कहीं। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए जो एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जो धरती पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वो जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो देखिए जैसे हम हैं, हाँ, हम जो है जमीन पर रहते हैं तो हम भी टेरेस्ट्रियल है हाँ। और फिर ये देखिए, अब जो है लैंड भी तीन प्रकार का है, एक ग्रासलैंड्स हाँ, और एक माउंटेन रीजन्स और एक डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स में जो है कैमल वगैरह होते हैं और माउंटेन रीजन में जो है आपके हाँ, तो वो है हमारे रेनडियर और स्लो ईआउल हाँ। और ग्रासलैंड्स पे जो है रहते हैं बफेलो हाँ, बफेलो जो है ग्रासलैंड पे रहती है। और आइडेंटिफाई द बिलो गिवन एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एंड कलर दें। तो देखिए अब जो है हमें इन एनिमल्स की हमें पिक्चर दे रखी है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो है वो जो है टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक। तो हम इससे पहले जो है और पढ़ लेते हैं और जो है इनके बारे में, फिर हम इनको जब आंसर करेंगे तब हमें बहुत मजा आएगा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो देखिए अब जो है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपके पानी में भी तो रहती है ना हाँ, वाटर में रहती है, जैसे कि कई रिवर में रहते हैं, कोई लेक में, कोई ओशन में हाँ, उनको हम जो है एक्वाटिक हैबिटेट होता है उन एनिमल्स का हाँ यार। तो ये देखिए ओशियन हाँ, ओशियन में रहते हैं वो, लेक्स और पॉन्ड्स हाँ। तो ये इन तीनों ये जो वाटर बॉडीज हैं उनमें अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने पहले ही पढ़ दिया था हाँ। तो ये देखिए ये किसकी फोटो है, शेर की। अब शेर पानी में तो नहीं रहता हाँ, वो धरती पर रहता है। द लायन लिव्स ऑन लैंड सो इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। और देन इट इज अ फोटो ऑफ एन लोटस, तो लोटस इज एन एक्वाटिक प्लांट हाँ। अब देखिए वो पानी में ही रहता है जो है, इट लिव्स इन वाटर सो जो है वे होगा एक्वाटिक। और अब हम देखते हैं, अब यहाँ हमारे मछली दे रखी है, तो मछली तो एक्वाटिक ही होगी, वो पानी में ही रहती है हाँ। इट लिव्स ऑन वाटर हाँ, आपने कभी यू तो नहीं जो है देखा होगा कि कोई मछली जो है धरती पर है। और देन देयर इज अ फोटो ऑफ कैमल, और अब एक ऊंट की फोटो है, इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड आई हैव टोल्ड यू द रीजन ऑलरेडी। तो अडेप्टिव फीचर्स इन डेजर्ट प्लांट्स, देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में ही पाए जाते हैं, जैसे आप कैक्टस देख लीजिए हाँ, अब जो है वो डेजर्ट में पाया जाता है। तो फर्स्ट वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, तो देखिए उनकी जो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है हाँ, उनकी जो है रूट सिस्टम जो बहुत डीप जाता है। अब हम यहाँ के पौधों में देखेंगे जो दिल्ली में पाए जाते हैं, तो देखिए हमें कुछ खास जो है नहीं देखते हाँ, वो जो है बहुत कम जो है रूट रुकती है अगर हम कंपेयर करें उसको डेजर्ट प्लांट से। कैक्टस की रूट जो है बहुत ज्यादा जमीन के अंदर जाती है हाँ। सेकेंड लीव्स आर इधर वेरी स्मॉलर
कन्वर्टेड टू स्पाइन्स। तो देखिए लीव्स या तो बहुत स्मॉल होते हैं या वो स्पाइन्स होते हैं। देखिए जो कैक्टस कैक्टस के कांटे होते हैं, हाँ वो देखिए इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं अब यहाँ तो रीजन इसका जो है नहीं दे रखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि वैसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए जितना ज्यादा जो बड़ा लीफ होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, तो जो है यानी कि ट्रांसपीरेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी एक वर्कशीट भी आई थी उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। ट्रांसपीरेशन होता है यानी कि जो पत्तियों के अंदर पानी होता है वो जो है इवेपोरेट होता है। तो अगर इतने छोटे छोटे जो है देयर विल बी सो स्मॉल स्पाइन्स, तो देखिए क्या होगा, कमी जो है ट्रांसपीरेशन होगा। हाँ फिर थर्ड, स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लेशी इन सम प्लांट्स। तो देखिए स्टेम जो है ग्रीन होती है और फ्लेशी होती है कुछ प्लांट्स में, तो कैक्टस में भी ऐसा ही होता है, स्टेम ग्रीन होती है और फ्लेशी होती है। फोर्थ, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। तो जो स्टेम है वो एक थिक वैक्सी लेयर से जो है कवर होती है ताकि वो वाटर को रिटेन कर सकते, रिटेन कर पाए। हाँ एग्जाम्पल कैक्टस, तो कैक्टस जो है वो उसका एक एग्जाम्पल है, मैंने कैक्टस से रिलेटेड आपको जा भी दिए हैं। नाउ अडेप्टेड फीचर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, तो जो है वो अब ऐसे जो अडेप्ट करते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स। फर्स्ट, रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज विच होल्ड्स द प्लांट स्टेम विच होल्ड्स द प्लांट। तो देखिए रूट्स जो है बहुत कम साइज की होती हैं, अब डेजर्ट में तो बहुत ज्यादा थी पर इसमें बहुत कम है। सेकंड, स्टेम्स आर लॉन्ग होलो एंड राइट। तो देखिए जो स्टेम होती है वो बहुत बड़ी होती है, होलो होती है यानी कि खोखली होती है, और लाइट होती है यानी कि जो है बहुत हल्की होती है। थर्ड, लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो पत्तियां हैं और जो फूल है वो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। हाँ यूं नहीं होता है मतलब उनके पत्तों के साथ कि वो बिल्कुल ही नीचे चले गए, हाँ वो फ्लोट करते हैं सरफेस पे। फोर्थ, द लीव्स आर कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट द लीव फ्रॉम एक्सकेसिव वाटर। हाँ तो ये देखिए जो उसकी पत्तियां होती है वो बहुत जो है वो वैक्सी लेयर से जो है प्रोटेक्टेड होती है ताकि वो जो है बहुत ज्यादा पानी से बच सके। तो ये देखिए अब डेजर्ट में तो भाई पानी ही नहीं था, तो उन्हें जो है इसलिए उनके पास वैक्सी लेयर होती थी ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब रिटेन कर पाए वाटर। हाँ लेकिन अब यहाँ तो ये है कि भाई ज्यादा पानी ना घुस जाए प्लांट के अंदर, तो उन्होंने वैक्सी लेयर बनाई है। तो ये दोनों, ये देखिए ये वाला तो मुझे बिल्कुल ही अपोजिट लगा। एग्जाम्पल लोटस, तो इसका एग्जाम्पल है लोटस। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अगर अच्छा लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर देना। तो ओके बाय।